तो ब्राह्मणों के साथ साथ अब जाट और मुसलमानों को भी जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बसपा हमेशा जाटों मुस्लिमों के लिए सम्मान और तरक्की पर काम करती है। प्रदेश कार्यालय में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ओबीसी दलित वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में सुविधाएं और शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन अब केंद्र और राज्यों के जातिवादी सरकारें नए नियम कानून बनाकर इन्हें प्रभावहीन करने की कोशिश कर रही है। दलितों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने ओबीसी की भी जातिगत गणना कराने की मांग की है। कहा है कि यूपी में धार्मिक अल्पसंख्यकों को यानी कि मुस्लिम दुखी नजर आते हैं, उनकी तरक्की रोकी जा रही है, फर्जी मुकदमे लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, नए कानूनों से दहशत फैलाई जा रही है, इसमें बीजेपी का सौतेलापन साफ साफ छलकता है। आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत नजरअंदाज किया जा रहा है।